हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर, जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हंसते हंसते फांसी की तख्तियों पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार बन गए, जिन्होंने जेल खानों और काला पानी के टापू में घुल घुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग किया, जिन्होंने बिना संकोच माता पिता, स्त्री संतान, भाई बहन, यहाँ तक कि देश को भी छोड़ दिया और धन जन सबका बलिदान कर दिया। आज उनकी तपस्या और तप का ये फल है, हम इस दिन को देख रहे हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। 20 वर्षों से वह हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं और एकमात्र आशा और उत्साह की ज्योति रहे हैं। हमारी संस्कृति और जीवन के उस मर्म का वो प्रतीक हैं जिसने हमको इतिहास के आफतों और मुसीबतों के बीच भी जिंदा रखा है। निराशा और मुसीबत के अंधेरे कुएं से हमको उन्होंने खींच निकाला और हमारे दिलों में ऐसी जिंदगी फूंकी कि हमें अपने जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज्य के लिए दावा पेश करने की हिम्मत और ताकत आई। उन्होंने हमारे हाथों में सत्य और अहिंसा का अचूक अस्त्र दिया, जिसके जरिए बिना हथियार उठाए स्वराज्य का अनमोल रत्न इतने कम दाम में इतने बड़े देश के लिए और यहाँ के करोड़ों आदमियों के लिए हमने हासिल किया। हमारे जैसे कमज़ोर लोगों को भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, अचल संकल्प के साथ और देश के लोगों में अपने अस्त्र में और सबसे अधिक ईश्वर में अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ाया। हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चे और अटल बने रहें। मैं आशा करता हूँ कि अपनी विजय की घड़ी में हिंदुस्तान उस अस्त्र को नहीं छोड़ेगा और उसके मूल्य को कम करके नहीं आंकेगा, जिसने उसे निराशा के गर्त से निकालकर ऊपर उठाया है और जिसने अपनी शक्ति और उपयोगिता का भी पूरा प्रमाण दे दिया है। संसार के भविष्य के निर्माण में जब लड़ाई से दुनिया के लोग ऊबे और घबराए हुए हैं, उस अस्त्र को का बड़ा काम उस अस्त्र को बड़ा काम करना है, लेकिन यह बड़ा काम हिंदुस्तान दूर से दूसरों की नकल करके नहीं पूरा कर सकता और न हथियारों को जमा करके और ऐसे अस्त्रों के बनाने में जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी कम से कम समय में कर सकते हैं, दूसरों से मुकाबला करके वो पूरा कर सकता है। आज इस देश को मौका मिला है और हम आशा करते हैं कि इसमें इतनी हिम्मत और शक्ति होगी वो संसार के सामने लड़ाई, मृत्यु, बर्बादी से बचाने का
अपना अस्त्र पेश कर सकेगा। संसार को इसकी जरूरत है, और अगर वह लड़खड़ाते हुआ बर्बरता के युग में जहाँ से वो आज निकल आने का दम भरता है फिर पहुँचना नहीं चाहता, तो वो इसका स्वागत भी करेगा। दुनिया के सभी देशों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने इतिहास के अनुसार सबके साथ दोस्ती और मित्रता का बर्ताव रखना चाहते हैं। किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी के साथ घात नहीं करना, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। हमारी एक ही आशा और अभिलाषा है, और वो यह है कि हम सब के लिए स्वतंत्रता और मानव जाति में शांति और सुख स्थापित करने में मददगार हो सके। जिस देश को ईश्वर ने और प्रकृति ने एक बनाया था, उसके आज दो टुकड़े हो गए हैं। बिछुड़ना हमेशा दुखदायी हुआ करता है, नज़दीक के लोगों से बिछुड़ना तो दुखदायी होता ही, ऐसे लोगों से भी बिछुड़ना जिसके साथ थोड़े ही दिनों का संबंध होता है दुखदायी होता है। इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि इस बंटवारे से हमारे दिल में दुख है, मगर इसके बावजूद हम आपकी तरफ से और अपनी ओर से पाकिस्तान के लोगों को अपनी नेक नियति और उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए अपनी सदिच्छा और सद्भावना प्रकट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो बंटवारे से दुखी हैं और पाकिस्तान में रह गए हैं, हम अपनी शुभकामना भेजते हैं। उनको घबराना नहीं चाहिए, अपने घर बार धर्म और संस्कृति को बचाए रखना चाहिए, और हिम्मत और सहिष्णुता रवादारी से काम लेना चाहिए। उनके ऐसा भय करने का कोई कारण नहीं कि उनके साथ ठीक और न्यायपूर्ण बर्ताव नहीं होगा और उनकी रक्षा नहीं होगी। जो आश्वासन दिया गया है उसको मान लेना चाहिए, और जहाँ पर आज वह रह रहे हैं वहाँ अपनी वफादारी और सच्चाई से अपनी मुनासिब जगह उन्हें हासिल करनी चाहिए। हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके साथ ठीक और इंसाफ का बर्ताव होगा, और उनके और दूसरों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। उनके धर्म और संस्कृति, उनकी भाषा सुरक्षित रहेंगी, और नागरिकता के सभी अख्तियार और अधिकार उनको मिलेंगे। उनसे आशा की जाएगी कि जिस देश में वे रहते हैं उसकी तरफ और उस देश के विधान की तरफ वे वफादार बने रहें। सभी लोगों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी अथक कोशिश होगी कि देश से गरीबी और दीनता, भूख और बीमारी दूर हो जाएं, मनुष्य मनुष्य के बीच से भेदभाव उठ जाए, कोई मनुष्य दूसरे का शोषण न कर सके, और सबके लिए सुंदर समुचित जीवन बिताने का साधन जुटा दिया जाए। हम एक बड़े काम में लगने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि देश के सभी लोग हमारे इस काम में मदद और सहयोग देंगे, और संसार के दूसरे देश अपनी सहानुभूति और सहायता देंगे। हम आशा करते हैं कि हम अपने को इस योग्य साबित कर सकेंगे। ईश्वर हमारी भला करें।